Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. धनेश पक्षी जब आकाश में उड़ता है और आवाज देता है तो मानो ऐसा लगता है कि चील आ गई हो। इस पक्षी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो एक बार फिर से हम डायनासोर के युग में पहुंच गए हों। उड़ने वाले टायरोसोर की तरह दिखने वाला यह पक्षी पुराकालीन जीव का ही पूर्वज प्रतीत होता है। शारीरिक संरचना से लेकर आवाज तक कई समानताओं को समेटे यह पक्षी अपनी एक विशिष्ट उपस्थिति समाज में दर्ज करवाता है। यह पक्षी समय के साथ साथ कई कठिनाइयों का सामना करते करते आज तक पृथ्वी पर जीवित बचा हुआ है, परंतु मानवों के अंधविश्वास की मानसिकता और इनकी सोच ने आज इस पक्षी को विलुप्तता के कगार पर पहुंचा दिया। धनेश पक्षी को मारने के पीछे कुछ कारण और अंधविश्वास जुड़े हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गठिया रोग के इलाज के लिए धनेश का तेल रामबाण औषधि है। ऐसी ही मान्यता के चलते इस अद्भुत पक्षी की हत्या दिन ब दिन हो रही है। धनेश को संस्कृत में वाग्रिनस, अंग्रेजी में हॉर्नबिल तथा हिंदी में धनेश और बनराव के नाम से पुकारते हैं। इसकी कई किस्में हैं। इसके करीब 16 किस्में केवल भारतवर्ष में ही प्राप्य हैं, लेकिन प्रमुख दो हैं, एक साधारण भूरे रंग का, दूसरा वो जिसके सिरे पर एक तुर्रा सा होता है और जिसे अंग्रेजी में मलाबार पाइड हॉर्नबिल, हिंदी में धानचूरी और बंगाल में बगमा धनेश के नाम से पुकारते हैं। साधारण धनेश पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर इस देश के बाकी राज्यों में उपलब्ध है। कद में यह प्रायः 60 सेंटीमीटर लंबा और रंग में गाढ़ा भूरा होता है। इसकी पूंछ काफी लंबी होती है, जिसके छोर पर सफेदी होती है। पेट, जांग और दुम का निचला हिस्सा सफेद होता है। चोंच और सर की टोपी काले रंग की होती है। चोंच की बनावट सींग जैसी होने के कारण ही अंग्रेजी में इसे हॉर्नबिल के नाम से पुकारते हैं। हॉर्न मतलब सींग, बिल मतलब चोंच। अन्य जाति के धनेश जहां वनों में रहना अधिक पसंद करते हैं, इसे खुले मैदान में, गांव के आस पड़ोस में और बाग बगीचों में रहना अधिक पसंद और रुचिकर है। ग्राम्य वृक्ष के कोटरों में यह बहुधा प्रजनन क्रिया संपन्न करता हुआ पाया जाता है। धानचूरी का कद पूरे धनेश से प्रायः 30 सेंटीमीटर बड़ा होता है। सर, गला, पीठ, डैने और दुम के बीच के दो पर काले होते हैं, जिनमें हरेपन की झलक आती रहती है। ठोड़ी पर एक हल्का पीला धब्बा होता है। मादा की आंखों के चारों ओर एक सफेद कंठी होती है। चोंच सर के निचले हिस्से में पीलापन होता है, तुर्रे के बाकी हिस्सों में कालापन। यह पहाड़ी प्रांतों में वन में रहना अधिक पसंद करता है। प्रत्येक किस्म के धनेश पक्षी की एक खास विशेषता होती है जो कि और पक्षियों में नहीं पाई जाती। धनेश की आंखों के ऊपर भौहें होती हैं, डैनों के नीचे मुलायम पर और पक्षियों में होते हैं, धनेश में नहीं होते। सर पर टोपी होती है। धानचूरी की टोपी औरों से प्रायः 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। धनेश घोंसले नहीं बनाते, बल्कि पेड़ों के प्राचीन कोटरों में ही मादा अंडे देती है। इसके संबंध में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंडे देने के समय जब तक बच्चे इस लायक नहीं हो जाते कि वो प्रसूति गृह से निकलकर अपने पांवों पर खड़े हो सकें, मादा पर्दानशी बनी रहती है। मादा प्रसव काल निकट आते ही किसी वृक्ष कोटर में जा बैठती है और उसके मुंह को एक दीवार से बंद कर लेती है। केवल एक सुराग छोड़ देती है, जिससे वो अपनी चोंच बाहर निकालकर नर के लाए हुए खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर सके। मादा को हफ्तों उसी दशा में रहना पड़ता है और नर नित्य प्रति अपनी चोंच में खाने की चीजें, कीड़े मकोड़े, गिरगिट और छिपकली लाकर उसे खिलाया करता है। पर्दे के भीतर ही उसके पुराने पर झड़ जाते हैं और उसकी जगह नए पर उगाते हैं। जब वो बाहर निकलती है तो उसका सौंदर्य पहले से कहीं अधिक निखरा हुआ नजर आता है, रूप कहीं अधिक आकर्षक होता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उस वक्त मादा अपनी चोंच रूपी हथौड़ी से वृक्ष कोटर के द्वार पर आघात करना शुरू करती है। नर भी आकर सहयोग करता है और कुछ काल में वो बाहर निकलती है। नर उसकी प्रतीक्षा में मिलनातुर बाहर बैठा रहता है। पर्दे से बाहर आते ही मादा अपनी चोंच खूब साफ करती है तथा नए परों को देर तक फड़फड़ाती है। मादा के प्रसूति अवस्था में उसके खाने पीने की व्यवस्था का सारा भार नर के ऊपर रहता है और वो जिस कुशलता से इस काम को अंजाम देता है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। यही नहीं, उसके गहरे दाम्पत्य प्रेम का परिचायक भी है।
दिन भर एक नहीं दर्जनों बार नर गले के भीतर खाद्य वस्तुएं रखकर आता है और उन्हें नरेटी से बाहर निकाल निकाल कर उन्हें खिलाता है। नर का आभास पाते ही मादा सुराग के भीतर से अपनी चोंच बाहर निकाल लेती है और तब नर गले को पीछे की ओर करके एक झोंका देता है और फिर लाई हुई वस्तु को मुंह के रास्ते निकालकर उसकी चोंच में रखता है और इस प्रकार अंदर के सारी चीजों को एक एक कर उसे खिलाता है। इन चीजों में वट, पीपल, नीम आदि के छोटे छोटे फल तो होते हैं, साथ ही टिड्डे, गिरगिट आदि जीव जंतु भी रहते हैं जिन्हें मादा बड़े चाव से ग्रहण करती है। ये चीजें वो अपने गले की थैली में भर लाता है। इसके उदर में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके स्पर्श से उदरस्थ वस्तुओं की गोली, झिल्लेदार पतली थैली या बीज कोश तैयार हो जाता है। दनेश के हर कौर में 2 से 4 तक फूल बीज की गोलियां रहती हैं जिनमें कीड़े मकोड़े तथा रेंगने वाले जंतुओं के शरीर के टुकड़े भी रहते हैं। धनेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पारिवारिक पक्षी है, लेकिन इसकी प्रजाति विलुप्तता के अत्यंत करीब है और इसका कारण अंधविश्वास, दवा या तेल और वृक्षों की कटाई है। कई लोग इस पक्षी के जान के पीछे मात्र इसलिए पड़े हैं क्योंकि इसकी चोंच का आइवरी की तरह उपयोग किया जाता है और इससे कुछ प्रकार के साज सज्जा की वस्तुएं बनाई जाती हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.